क्वेश्चन नंबर 5.7 में हमें कहा गया है, अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम इज एक्टेड अपॉन बाय टू परपेंडिकुलर फोर्सेस 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। मींस यदि एक 5 किलोग्राम मास वाली बॉडी के ऊपर 2 परपेंडिकुलर फोर्सेस 8 न्यूटन और 6 न्यूटन एक्ट करते हैं, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, यह मास 5 किलोग्राम है, एक फोर्स 8 न्यूटन और दूसरा 6 न्यूटन, दोनों फोर्स परपेंडिकुलर हैं, मींस दोनों फोर्सेस के बीच में जो एंगल है वह 90 डिग्री है। हमें इन फोर्सेस की वजह से इस मास के अंदर जो नेट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मींस वैल्यू और उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बतानी है। आइए हम सॉल्यूशन को करें। पहले हम इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करते हैं। हमें पता है दो वेक्टर क्वांटिटीज का रिजल्टेंट निकालना हो तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा। थीटा यहां पर 90 डिग्री है, दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल 90 डिग्री है और कोस 90 जीरो होता है। तो हम देखें इस पूरी टर्म में 2 इंटू 8 इंटू 6 इंटू जीरो करेंगे तो यह टर्म इतनी टर्म जीरो बन जाएगी 2 से लेके आगे तक की सारी। ओनली बच जाएगा अंडर द रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। इसे हम सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 10 न्यूटन। मीन्स यह क्लियर हो गया कि इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट 10 न्यूटन है। अब जिस डायरेक्शन में ये रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा उसी डायरेक्शन के अंदर ही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। आइए हम इसकी डायरेक्शन फाइंड करते हैं। लेट यह 10 न्यूटन वाला जो रिजल्टेंट फोर्स है यह 8 न्यूटन के रिस्पेक्ट में थीटा एंगल बनाता है। तो टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है 6 न्यूटन और बेस के लिए हम लेंगे 8 न्यूटन। तो हम देखेंगे टेंजेंट थीटा आ जाएगा 6 बाय 8 और थीटा आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 6 बाय 8 जो कि होता है 3 बाय 4। टेंजेंट इनवर्स 3 बाय 4 की वैल्यू हमें याद रखनी होगी जो कि 36.87 डिग्री या फिर हम कहें अप्रोक्सीमेट 37 डिग्री होती है। अब हमारे पास यह जो एंगल आया यही डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की, क्योंकि आप देखिए इस डायरेक्शन के अंदर मतलब इतने एंगल के ऊपर नेट फोर्स लगेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब यह हुआ इतने एंगल के ऊपर ही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड की। हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आ गई 10 न्यूटन। फोर्स का फार्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। यहां से हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो आ जाएगा फोर्स अपॉन मास। रिजल्टेंट फोर्स 10 न्यूटन हमारे पास आया है जो अभी हमने यहां सोल्व किया। मास हमें 5 किलोग्राम क्वेश्चन में गिवन था, इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही अपना आंसर होगा। थैंक यू वेरी मच।